अल्फ अल्लाह चंबे दिबूटे मेरे मन विच मुर्शद ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अल मुर्शिद और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। आप सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया के शेख हैं, मुतरजम कुरान हैं, मुफक्किर कुरान हैं, शायर हैं, अदीब हैं, बहुत से सवाल हैं आपके तारफ के। हजरत जी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, सवालात आज भी हमारे पास काफी ज्यादा हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। इंसानी कमाल क्या है और इंसानियत का कमाल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद वालिही वस्हबी अजमाईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई भी चीज जो बनाई जाती है, तख्लीक की जाती है, उसका कमाल ये होता है कि जिस मकसद के लिए बनाई जाए, उस मकसद को जिस खूबी से वो पूरा करे, वो उसका उतना कमाल शुमार होता है। बिल्कुल सही। और अगर उस मकसद को पूरा न करे तो वो रद्दी होती है, बेकार होती है, फेंक दी जाती है। इंसान बना किस लिए? बनाने वाला ये फरमाता है जल्ला शानुहु, वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून ए लियारिफून। जिन्नों और इंसानों को मैंने अपनी मार्फत के लिए पैदा किया। मार्फत होती है पहचान, तीन दर्जे हैं। एक चीज है, एक बंदा जानता है, जानना और बात। इससे आला दर्जा है कि उसे मानता है। जानना और बात है, उसे मानना, उस पर यकीनो एतबार करना, ये एक और बात है। सही। उसे पहचानना ये सबसे और बात है, बिल्कुल मुख्तलिफ। बिल्कुल ठीक। हम लोगों को जानते हैं, मानते नहीं। कौन है कौन नहीं है मुझे क्या। सही। बाज को हम जानते भी हैं, मानते भी हैं कि ये बड़ा हम आदमी है, मुझे इससे जरूर मिलना है, मुझे इसकी इज्जत करनी है, इसका फलां रिश्ता है, ये मानना होता है। बाज के कमालात से हम वाकिफ होते हैं, कोई रिश्ता नहीं, कोई वाकफियत नहीं। यार इस पाए का कोई और शायर नहीं, इस पाए का कोई अदीब नहीं, इस पाए का कोई दानश्वर नहीं है। तो उसके कमालात तक पहुंचना ये पहचान होती है। पहचान है, बिल्कुल ठीक। जानना और बात है, मानना और बात है, पहचानना और बात है। एक हदीस कुदसी है, इरशाद फरमाता है अल्लाह करीम, कुंतु कंज़न मख्फियन फअबतु अन उरफ़ फखलक्तु अल-खल्क। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे ये बात पसंद आई कि कोई मेरा जानने वाला भी हो। यानी सारी मखलूक थी, फरिश्ते थे, जमीनों आसमान थे, अरशे मौला था, कायनात मखलूक से भरी हुई थी, लेकिन सब हुक्म के बंदे थे। मुझे पहचानता कोई नहीं था, मेरा हुक्म मानते थे, मजबूर थे। हुक्म तब सब की रसाई थी, हाकम की तरफ निगाह उठाकर कोई नहीं देखता। तो मुझे ये बात पसंद आई कि ये तो सारे मेरी कुदरत के आगे मजबूर बेबस हुक्म मान रहे हैं, कोई ऐसा हो जिसे मैं इख्तियार दूं कि चाहो मानो चाहो न मानो, फिर वो मुझे पहचाने, मेरी अजमत से आशना हो और मुझे पहचान कर अपनी पेशानी मेरे सामने जमीन पर रख दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
فخلقت الخلق تو میں نے مخلوق کو اس مقصد کے لیے پیدا کر دیا. گویا تخلیق انسانی کا مقصد معرفت الہی ہے. صحیح. اب جس شخص نے جتنی معرفت الہی حاصل کی اتنا اس نے مقصد تخلیق کو پورا کیا. جو اس طرف نہیں آیا, اللہ کریم فرماتے ہیں ولائک کل ارام, یہ چوپاؤں کی طرح ہیں, چار پائے بھی چارہ کھاتے ہیں, نسل بڑھاتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, مر جاتے ہیں. انہوں نے بھی دنیا کمائی, کھایا پیا, کپڑے پہنے, بچے پیدا کیے, گھر بنائے, مر گئے. وہ جو اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا, کیا کہیں آباب کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, پنشن ملی اور مر گئے. تو یہ زندگی قرآن کریم کے مطابق ایک عام حیوانی زندگی ہے, بلکہ قرآن کریم کہتے ہیں یہ جانوروں سے بدتر ہیں, کہ جانوروں کو استعداد ہی نہیں دی گئی, وہ یہی زندگی جینے پہ مجبور ہیں. انہوں نے انسانی استعداد ضائع کر کے جانوروں والی زندگی اپنائی, یہ ان سے بدتر ہیں. بل ہم عدل, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے اور بدتر ہیں, کہ انہیں بنایا تو انسان تھا. اب یہ معرفت اور پہچان یہ کیسے ہو؟ آپ ایک چیز دیکھتے ہیں بہت خوبصورت لگتی ہے, پھل ہے, جنگلی پھل ہے, بڑا خوبصورت ہے, پھر آپ توڑ لیتے ہیں, سونگتے ہیں, بڑی مزیدار خوشبو ہے, شاید کھانے میں وہ زہر ہو, ہو سکتا ہے کھانے سے بندہ مر جائے. بالکل صحیح. یا زہر نہ ہو, بہت تلخ ہو, ہو سکتا ہے آپ اسے کھائیں اور وہ تلخی بڑی دیر تک آپ کو پریشان رکھے, ہو سکتا ہے آپ کھائیں اور پیٹ خراب ہو جائے. تو اگر اس کے یہ اثرات آپ کو پتہ ہیں تو یہ اس کی پہچان ہے. کیا بات ہے, بہترین, بہت خوب. رنگ اور خوشبو آپ اس کو جانتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت اعلیٰ. جب برتتے ہیں تو جو بیتتی ہے وہ اس کی پہچان, وہ اس کی پہچان ہے. بہت خوب. تو پہچان ہر بندے کو تو نہیں ہوتی. کیوں ہم طبیب و ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں یہ ڈائٹ لو, یہ چھوڑ دو, وہ پہچانتے ہیں, ہم صرف جانتے ہیں. اب اس کو آپ ذات باری کی طرف لے جائیں تو اس کی پہچان کیسے؟ اللہ اکبر. کیونکہ پہچان تو ایک کیفیت ہے, وہ بات کرنے سے نہیں آتی. آپ کسی کو بتاتے نہیں یہ اتنا میٹھا, یہ اتنا کڑوا ہے, تو سنتا رہے گا. میٹھا کھائے گا تو اسے اندازہ ہوگا کتنا میٹھا ہے, کڑوا کھائے گا تو وہ کیفیت آئے گی تو پتہ چلے گا. اب معرفت باری کی بھی کیفیت آئے تو پتہ چلے. بالکل صحیح. وہ آتی ہے برکات نبوت سے. انبیاء کے فیض و برکات دو طرح سے ہوتے ہیں, تعلیمات نبوت, وہ جو کچھ انبیاء ارشاد فرماتے ہیں, ہر ہر لفظ اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے, حق ہوتا ہے. ان میں کچھ کیفیات ہوتی ہیں, کیفیات دلوں سے دلوں کو سفر کرتی ہیں, الفاظ زبان عطر سے دماغوں کو جاتے ہیں. کیفیات دلوں سے دلوں کو سفر کرتی ہیں. اب وہ کس قوت سے سفر کرتی ہیں اور کتنی قوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, جو بھی تخلیق جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے اہتمام اس میں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک. آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا 247 سے لے کر قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے, کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہی. یہ جو ہمارے یہاں خوشور ہوتا ہے نا ختم نبوت, ختم نبوت نہیں ہے, اصل بات تکمیل نبوت. سبحان اللہ. نبوت مکمل ہو گئی, اب کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں. جو کہتا ہے جھوٹ بولتا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں نبی, تو وہ جھوٹ بولتا ہے, چونکہ نبی کی اب حضور کی بعثت کے بعد قیامت تک نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی. وہ ساری قوت
जो कयामत तक इंसानों के दिलों को गरमाने और जिंदा करने के लिए चाहिए थी, वो अल्लाह ने हुजूर के कलब अतर में सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। आप एक बैटरी लगाते हैं, उसकी जिंदगी 2 दिन है, 4 दिन है, 6 महीने है। आप उस पर सोलर की प्लेटें लगा देते हैं, वो सालों चलती। बिल्कुल सही। जो बैटरी मार्फत हक की कलब अथर रसूलुल्लाह सल्लम में है, ये दायमी है, बेसत से लेकर हमेशा के लिए। वही कुव्वत उसमें कयामत तक है, अगर सही कयामत में भी है, वही कयामत के बाद भी है, वही जन्नतुल फिरदौस में भी है, उसमें कमी नहीं आएगी। बेशक, बेशक। लिहाजा किसे नए नबी की जरूरत न रही, न रही। तो ये खत्म नबूवत नहीं है, दरअसल तकमील नबूवत। बिल्कुल ठीक, नबूवत मुकम्मल होगी। अब कोई कहता है तो वो ज्यादा जरूरत है, वो फजूल है। सही, बिल्कुल सही। तो जो पहले पहले सामने आए, एक निगाह में वो साहबी बन गए। साहबी हम मजलस ही नहीं है, साहबी से मुराद है कि उन्होंने कैफियात का वो दर्जा पाया जिसको खैर साहबी सोच भी नहीं सकता। यानी सारी दुनिया के वली जमा हो जाए और उनकी वलायत का एक मीनार बनाया जाए, तो वो तबा ताबीन की हद से नीचे रहेगा। जहां वो खत्म होगा, वहां से तबा ताबीन की इब्तदा होगी। सही। जहां उनकी हद आएगी, इंतहा होगी, वहां से ताबीन की इब्तदा होगी। बिल्कुल। जहां उनकी इंतहा होगी, वहां से सहाबा की अजमत की इब्तदा, जहां सहाबी की हद होगी, वहां से नबूवत शुरू हो जाएगी। सही, बिल्कुल सही। तो एक निगाह में वहां पहुंच गए, क्योंकि वो सीधे सूरज के सामने आ गए, मुनव्वर हो गए। अब सहाबा के बाद ताबीन सहाबा के परताओं के सामने आए, तो इतनी कुव्वत थी कि एक निगाह में वो भी ताबीन। सही। तब ताबीन ताबीन के सामने आए, तो उनके कलब मुनव्वर होने से मुराद है कि उसे मारफत हक का कोई जरा नसीब हो गया, उसने अल्लाह को पहचान भी लिया। बिल्कुल सही। अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, हर एक की अपनी इस्तेदाद है, हर फर्द की अलग इस्तेदाद। अब उसके बाद जूं जूं बोध होता गया नूर नबूवत से, तो फिर लोगों में वो चीज दर आई कि कुलूब में वो फिर दिल चमकाने पड़े। सही। फिर जो तालब हक थे, फिर उन्होंने अल्लाह अल्लाह की जरबें लगा 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 कर, जैसे हुजूर का इरशाद है, लिकुल शैन सिकाला वसिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह कमा काल रसूलुल्लाह सल्लम। हर चीज की पालिश होती है, दिलों का जंग उतारने की पालिश जो है, दिलों की पालिश अल्लाह का जिक्र। फिर हमें मांझने पड़े, हमने बरसों अल्लाह 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 रात दिन की, कुछ उनमें सफाई हुई, तब जाकर कोई किरण नूर की उनमें आई। बांटने वाला तो दूध बांट रहा है, आप एक बर्तन जंग खुर्दा मैला कुचाला ले जाते हैं, तो आप तो ले गए, बांटने वाले की निगाह इतनी खराब है कि उसमें डाल दी। बर्तन तो साफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो आपने नूर नबूवत और मारफत इलाही लेनी है, तो दिल में दुनिया का जंग है, गुनाहों का जंग है, गफलत का जंग है, तो ये तो सारा रगड़ कर धोकर साफ करना पड़ेगा। तो जिस किसी ने कोई रमक मारफत इलाही की पाली, वो उतने कमाल को पहुंच गया। बिल्कुल सही। जिसने जितनी ज्यादा पाली, वो इतने ज्यादा कमाल को पहुंच गया। सबसे ज्यादा कमाल अंबिया का, ठीक है, उसके बाद सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, और फिर अहलुल्लाह। बिल्कुल सही। अल्लाह के वो मुकर्रब बंदे जो जिंदगियां सर्फ कर देते हैं इस चीज के हुसूल के लिए। सही। बाकी सही। जो मखलूक है, हम काठ कबाड़ हैं, जिस मकसद के लिए बने थे उसे हम भूल गए। खाया पिया, पैसे जमा किए, हुकूमतें की, दौलत जमाई, इक्तदार हासिल, कोई नौकरी को कमाल समझता है और कोई मिनिस्टर बने तो कमाल समझता है, कोई समझता है मुझे वजीर आजम से कम नहीं होना चाहिए।
आप इसलिए पैदा नहीं किए गए। बिल्कुल सही, आप पैदा किए गए मार्फत हक के लिए, वो हासिल करें। बिल्कुल सही, ये जिम्मेदारियां हैं। इस्लाम ने कानून बना दिया कि जो कहता है मुझे बनाओ उसे हरगिज न बनाया जाए। सही, इसलिए कि वो अपने मकसद से गाफिल है और दुनिया का तालिब है, और जो अपने मकसद में मार्फत हक में लगा हुआ है उसे पकड़ कर बनाओ। सही, बिल्कुल सही, वो अदल करेगा, इंसाफ करेगा। बिल्कुल ठीक, जो नहीं बनना चाहता उसे हुक्मरान बनाओ, जो बनना चाहता है उससे बच जाओ। सही सही, कितना खूबसूरत अंदाज, जबरदस्त जबरदस्त। और दुनिया में इंसाफ वही कर सकता है जिसे जितनी मार्फत नसीब होती है। इंसाफ शुरू होता है अपने आप से। जो बंदा अपनी जात के साथ इंसाफ नहीं कर सकता वो दूसरे के साथ करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिससे मार्फत हक नसीब होती है अपने साथ इंसाफ वो करता है। खुद को दोज़ख से बचाता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बड़ा काम यह है कि अपने आप को और अपने बाल बच्चों को आग से बचा लो। बिल्कुल सही, तो जिसे रमत नसीब होती है सबसे पहले खुद को दोज़ख से, गोया खुद साले हो जाता है, नेकी करता है, औलाद को नेकी सिखाता है। तो जो अपने साथ इंसाफ कर रहा है उसे पकड़ कर लो, वो तुम्हारे साथ भी इंसाफ करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिसे मार्फत हक की खबर नहीं, जिसे कुरान का लफ्ज नहीं आता, जिसकी पेशानी सजदों से आ रही है, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा उससे तुम क्या उम्मीद रखते हैं, उससे क्या हुक्मरान बना? बिल्कुल, वो तो इंसानी दर्जे से गिरा हुआ है। तो हमने बंदर, रीछ, बैल, जानवर बांध दिए उसको लू से जिसे हुकूमत कहते हैं, फिर कहते हो हमें इंसाफ नहीं मिलता। अल्लाह हुक्म। तो कमाल इंसानियत ये है कि वो मार्फत हक हासिल, जिसने जितनी कर ली उतने कमाल को, उतना उसका कमाल है, बाकी रद्दी का माल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात। ये अल्लाह की मर्जी, अल्लाह करे। हमारी तो दुआ है जो भी इस्लाम का दावा करता है अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, आमीन। लेकिन ऐसा होगा नहीं, नहीं। बिल्कुल सही, होगा अहमाल पर, हमारे कहने से नहीं होगा। बिल्कुल सही, इसलिए मुसलमान भाइयों को चाहिए कि अपनी कम अज कम अपने साथ इंसाफ करें। बिल्कुल, अपने पर जुल्म न करें। थोड़ी सी जिंदगी है, हलाल खाएं, सच बोलें, भलाई करें, नेकी करें, अल्लाह सब की आकबत बखैर। और वो तभी होगा कि जब मार्फत हक नसीब होगी, वरना नहीं, फिर ऑटोमेटिकली सारे काम वरना ठीक होते जाएंगे। अजय जी, मुझे एक ब्रेक पे जाना है और काफी सारे सवाल आते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ये जानेंगे आपसे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के जरिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 0333-4955021। और इसी तरह से आप हमें ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। almusha.tv की वेबसाइट पे क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर सर्च क्वेश्चंस के जरिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरते दीगर, आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवालात इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हजरत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हजरत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफासीर से भी फैजयाब हो सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रिया में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हजरत जी, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। इदरीस हैं फैसलाबाद से, ये कहते हैं क्या मुसलमान औरत
मुसलमान मुल्क की सरबराह हो सकती है? जो निजाम हमारा आज है उसमें तो हो सकती है। अच्छा, क्योंकि आज जो निजाम है उसमें सरबराह खुद मुख्तार नहीं है। ठीक है, उसकी राय हतमी नहीं है, वो काबीना का और फिर असेंबली का मोहताज है। चीजें असेंबली से मंजूर कराए, काबीना की मंजूरी ले, खुद मुख्तार नहीं है। जो हुकूमत खुद मुख्तार जैसे बादशाहत होती है वो इस्लाम में औरत के लिए जायज नहीं है। ये जो हमारा आज निजाम जिसे आप जमहूरियत कहते हैं, ये अलग बहस है कि वो सही है गलत है, उसमें क्या खूबी है क्या खामी है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें हुक्मरान खुद मुख्तार नहीं होता। ठीक है, पाबंद होता है कि उसकी कौमी असम्बली क्या कहती है, अवाम का रुझान किस तरफ है, उस पर भी उनके फैसलों पर उसका भी उसकी भी जद पड़ती है, असर होता है। तो इस निजाम में अगर औरत भी सरबराह हो तो खैर है, क्योंकि जो मर्द होते हैं वो भी औरत की तरह बिहेव किया जाता है उनसे। सही, और यानी उनकी बात हतमी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, उन्हें भी माननी पड़ती है दूसरे की। सही है, मतलब वो फुली इख्तियारात के मालिक नहीं। अगर रियासत इस्लामी हो तो इस्लामी रियासत में ये है कि मजलिस शूरा या असम्बली जो है वो मशवरा दे सकती है, फैसला अमीरुल मोमिनीन का होगा। ठीक है, वो फैसले में उनका मोहताज नहीं है। सही, मशवरा लेने का पाबंद है। सही, लेकिन मशवरा मानने का पाबंद नहीं है। वो सरबराही औरत को नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुनज़्ज़ा है सियालकोट से, ये कहती है मुझे कब्र से बहुत डर लगता है, क्या करूं? कब्र से डरना तो सआदत है। नबी करीम सल्लम का इरशाद है कि खुश नसीब हैं वो लोग जो मौत को याद रखते हैं। कब्र से डरने का बेटे मतलब यह है कि बंदा कब्र के लिए तैयारी करे। ठीक बात, कब्र से डरने का ये मतलब नहीं कि आप डर के कब्र, या तो आप कोई मुतबादल रास्ता हो तो उधर से डर लगता है दूसरी तरफ से गुजर जाए। जब जाना ही वही है तो कब्र से डरने की बजाय कब्र को सजाए, खूबसूरत सा घर बनाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह के नाम से सजाएं, जिक्रुल्लाह से सजाएं, अल्लाह के सजदों से सजाएं, तलावत कुरान से सजाएं, हदीस पाक से सजाएं, नेकी से सजाएं, इबादत से सजाएं, गरीबों के साथ रहम से सजाएं, खैरात करके। तो ये सारी चीजें कब्र की सजावट हैं। उसमें आप बिस्तर बनाएं, आप घर बनाएं, आप अपना किचन बनाएं, आप अपना खूबसूरत कमरा बनाएं, फिर डरने की क्या बात। सही बात है, और ऐसी सूरत में और ज्यादा सजाने को जी चाहते हैं, जब ये यकीन हो कि वहां पे डर लगता है, वहां पे इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, ये यकीन है तो डर लग रहा है ना, तो इस यकीन को हटाना, मतलब इस यकीन के साथ उसको सजाने में बड़ा मजा है। नहीं लगता डर, अपने आप से लगता है कि हम कब्र में भेज के आ रहे हैं, उससे डर लगता है। बिल्कुल सही, तो आप अच्छी चीजें भेजें तो डर नहीं लगे। सही, अल्लाह का जिक्र भेजें, तलावत कुरान भेजें, हदीस शरीफ भेजें, सजदे भेजें, नमाजें भेजें, रोजे भेजें, तहज्जुद भेजें, नेकी भेजें, गरीब परवरी करके भेजें, खैरात करके भेजें, हलाल खा के तो वो भेजें, इबादत करके मजदूरी करके हलाल कमाएं, नेकी की तरवीज करें, तो ये सारे कब्र की जीनत हैं भाई। फिर डरने की क्या बात, फिर एक रोशन रोशन कब्र आपके, हाँ आप खूबसूरत घर जहन में चलती रहेगी, खूबसूरत घर। सही, बिल्कुल सही, और फिर डरने मौत से भी डरने लगेगा, डरने क्या बात। बिल्कुल सही बात। शुएब अहमद है भावल नगर से, ये कहते हैं अगर किसी की बीवी दीन पर अमल पैरा ना हो तो उस पर किस हद तक सख्ती जायज है? अगर वो राह रास्त पर आने पर तैयार ना हो तो उसके लिए क्या हुक्म है? बच्चे, एक जायज हद तक सख्ती की जा सकती है, एक लिमिट तक, इतना नहीं कि बंदे को मजबूर किया जाए। ठीक है, या बेबस कर दिया जाए, या मारा पीटा जाए, या तलाक दे दी जाए, ये जायज नहीं है। कोशिश की जाए, बेहतर ये है कि इंसान सख्ती से नहीं समझता जितना प्यार से समझता है। तो बीवी का हक है, अल्लाह करीम का इरशाद है किताब पाक में, वजाल बैनकुम मवद्दा, अल्लाह ने तुम्हें जोड़े जोड़े बनाकर तुम्हें मोहब्बत पैदा कर। बिल्कुल सही, तो
तो ये जो हम दुनिया में मोहब्बत मोहब्बत ये सब झूठ है, असल मोहब्बत है कि निकाह के बाद मियां बीवी में मोहब्बत पैदा हो। सही। और ये मतलूब है, बिल्कुल ठीक। शादी चलती इससे इससे, बेशक। तो जब आप बीवी से मोहब्बत करेंगे तो आपका अंदाज और होगा, शायद वो भी आपकी बात माने। लेकिन अगर न भी माने तो आप कहने के मुकल्लफ हैं, मारने, ईजा देने, घर से निकालने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसने अपना जवाब देना है, अब आपने अपना, आपकी जिम्मेदारी। जब आपने, आप खुद अमल भी करते हैं, उसे कहते भी हैं, हमारी एक और मजबूर, हम खुद अमल नहीं करते, दूसरे को तरफ दूसरे को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अमूमी तौर पर ऐसा ही ये भी गलत है। खुद अमल करें और दूसरे को करने का कहें। लेकिन अगर वो नहीं करती तो उसका बीवी होने का हक मजरूर नहीं होता। उससे मोहब्बत करें, प्यार से रखें, उसके हुकूक अदा करें, शायद कभी मोहब्बत उसका दिल नरम कर दे। सही, बिल्कुल सही। तलत महमूद है सुहावा से, मौत के बाद रूह और जिस्म का ताल्लुक कब तक कायम रहता है? ये अल्लाह का लगाया हुआ जोड़ है और ये खत्म होता ही नहीं, इसकी सूरतें बदलती रहती है। ठीक है। ये रे में मादर से शुरू होता है और अब्दुल आबाद हमेशा रहेगा। सही। सूरतें बदलती रहती है दुनिया में, बरा रास्त मुकल्लफ बदन होता है। रूह हमें नजर नहीं आती, फील नहीं होती, लेकिन इसके ताबे होती है, दुख सुख वो भी भुगतती है। सही। बरज़ख में रूह बराए रास्त मुकल्लफ हो जाती है, बदन अगर ज़र्रात में भी ढल जाए तो हर सेल रूह के साथ मुतल्लक होता है। अगर रूह पर रहमत बरस रही है तो हर सेल पर रहमत, अगर रूह पर आग बरस रही है तो हर सेल तक आग जाती है। सही। कयामत को जब खड़े होंगे तो रूह और बदन दोनों बराबर मुकल्लफ हो जाए, दोनों की फीलिंग्स बराबर होंगी, फिर जन्नत जाएंगे या दोजख जाएंगे, फिर असल लज़त आएगी, नेमतों की लज़त भी असल आएगी कि रूह भी उतना ही महसूस करेगा, बदन भी उतना ही महसूस। सही। दोजख के अजाब का भी मजा आ जाएगा कि सिर्फ बदन नहीं महसूस करेगा, रूह भी उतना ही महसूस करेगा। सही। तो सूरतें बदल जाएंगी, सूरतें बदलती हैं, ये ताल्लुक, लेकिन ये ताल्लुक अब्दुल्लाबाद टूटता। बिल्कुल सही। अजय जी, अगला सवाल थोड़ा सा मैं चाहूंगा उस पर डिटेल से बात हो, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आगे इस सवाल को शामिल करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के जरिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 0333-4955021। इसी तरह से आप हमें ई मेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। almurshad.tv की वेबसाइट पे क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर सर्च क्वेश्चंस के जरिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरते दीगर, आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवाल इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं, आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हजरत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हजरत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफासीर से भी फैजयाब हो सकते हैं। एक मुख्तसर कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रिया में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आपके सवालात और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब। हजरत जी, अदनान गिलानी है कोहाट से, ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हजरत जी से दुआ की दरखास्त है, क्या वजह है कि सैयद या आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात या सदका नहीं दिया जाता, क्या वो अफजल है या निस्बत की वजह से नहीं दिया जाता, मैं खुद भी सैयद हूं, मेहरबानी से रहनुमाई फरमा दीजिए। गुजारिश ये है जी
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इतनी आला व अरफा थी कि आप पर सदका जायज नहीं था, चूंकि सदका कमजोर को दिया जाता है, ठीक है, ना अहल को दिया जाता है, उसमें अपाहज है, लूला है, लंगड़ा है, कमा नहीं सकता, कोई ना कोई वीकनेस, कमजोरी, किसी वजह से गुर्बत, अफलास उस पर है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, कोई ना कोई खामी है जिसकी वजह से सदका दिया जाता है, मोहताज है, उसे सदका दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो नबी करीम सल्लम की तरफ खामी का तसव्वुर महाल है, लिहाजा वहां सदके का तसव्वुर नहीं है। सुभान अल्लाह। तो जो औलाद है नबी करीम सल्लम की, उन्हें वही नस्बत है हुजूर के साथ, वो समझें या ना समझें, उसकी लाज रखें या ना रखें, बिल्कुल ठीक, उन्हें गुनाह, जरायम, अकीदे की खराबी जेब नहीं देती, ये सैयद की शान के खिलाफ है। बिल्कुल सही। उन्हें लोगों का हादी और रहनुमा होना चाहिए, उनका अकीदा खरा, अमल काबिल रश्क होना चाहिए, जहां हों पता चले कि ये औलाद रसूल है, और वो इससे बाला तार है कि कोई उन्हें सदका दे, उनमें वो कमजोरियां नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत इसकी वजाहत आपने फरमाई है कि उनमें कोई खामी ही नहीं थी, सो सदका तो उसको कमजोरी का तसव्वुर हो। बिल्कुल, क्या बहुत अच्छा, वरना लोगों ने तो बहुत सारी और बातें घड़ रखी, बाकी फजूल। बिल्कुल सही बात। अगला सवाल शामिल करते हैं, तैयबा खालिद है ओकाड़ा से, कोई ऐसा अमल बता दें जिसके करने से जन्नत मिलने की तसल्ली हो जाए। इल्लल्लाह। बच्चे हम यही बहस आज के मौजू में कर चुके हैं कि इसका रास्ता मार्फत हक है। बेटा, मार्फत हक के लिए निस्बत चाहिए, शेख की तवज्जो चाहिए और जिक्र पर मेहनत चाहिए। बिल्कुल ठीक। अल्लाह अल्लाह करें, अल्लाह का बंदा तलाश करें जो उसका कलब रोशन हो, आपके कलब को रोशन कर सके। सही। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है कि क्या औरत बाजमात नमाज अदा कर सकती है? जरूर कर सकती है, जहां पर्दे का एहतमाम हो। ठीक है। बस मसाजिद में एहतमाम होता है, या तो औरतों के लिए पर्दा करके अलग जगह बना दी जाती है, या जब नमाजी खड़े हो जाते हैं तो पीछे औरतें खड़ी हो जाती हैं, जब इमाम सलाम फेरते हैं तो उठकर चली जाती हैं, तो जहां पर्दे का एहतमाम हो वहां जरूर कर सकते, वहां किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अमजद हैं लाहौर से, ये कहते हैं अल्लाह पाक पर्दे में क्यों है? बड़ी अजीब बात है, कमजोरी हम में है, नजर हमें नहीं आती, पर्दे हमारी आंखों पर हैं, वो तो यहां है, तो आया है। सुभान अल्लाह। वो तो पर्दे, पर्दा उस पर आ नहीं सकता। अल्लाह अकबर, बेशक। उसके रुखे अनवर के सामने तो पर्दा आएगा तो जल जाएगा। अल्लाह अकबर। उसका हुस्न लाजवाल ऐसा है कि अगर कोई पर्दा डालने की कोशिश करे तो पर्दा जल जाएगा। सही। अब पर्दे हमारी आंखों पर हैं, वो हर आन हर लम्हा हर जगह, वह होगा मवा को मैं नमा, तुम जहां भी हो मैं तो तुम्हारे साथ, हमें खबर नहीं कि भाई अपनी आंखों का इलाज हम कराएं, अपने दिल को रोशन करें, दिल में बीनाई आए, दिल देखे तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसका जमाल जहां आ रहा तो कायनात में मौजूद। सुभान अल्लाह, उसके जलवे तो हर सू है। बेशक। मोहम्मद इरफान ये कहते हैं अल्लाह ताला के नजदीक बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह को सबसे प्यारा अमल है मोहम्मद रसूलुल्लाह का इत्तेबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान ने रहनुमाई फरमाई और जुबान हक तर्जुमान रसूलुल्लाह से फरमाई। सही। कि इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम्हें समझ आ गई है कि अल्लाह तुम्हारा खालिक भी है, राजिक भी है, मालिक भी है, बेपनाह नेमतें दे रहा है, फिर उसके बदले में तुम्हें वो महबूब हो गया, उससे मोहब्बत करते हो, तो फत्ता बियूनी, मेरा इत्तेबा कर लो, युहबिबकुमुल्लाह, तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ। सुभान अल्लाह।
तो अब जिस अमल पे बंदा अल्लाह का महबूब बन सकता है वही सबसे खूबसूरत अमल। बिल्कुल सही, बिल्कुल। किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। अल्लाह बेशक बेशक। बिलावल हुसैन है लाहौर से। अगर इमाम मस्जिद गैर इस्लामी सरगर्मियों में मुलव्वस हो तो क्या ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज है? बच्चे हम फतवे देते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वो फतवे सही हों। हमारी तहकीक नाकस होती है, खबरें नाकस होती हैं, लेकिन अगर इमाम मस्जिद खताकार गुनाहगार भी हो तो इमामत में उसका इत्तेबा और नमाज अगर दुरुस्त पढ़ाता है तो हो सकती है। हो सकती है, ठीक है। अल्लाह रखे हैं बेदियां लाहौर से। इस्लाम में सत्रे औरत और सत्रे मर्द किसको कहा गया है? इन्हें गलती लगी है, इन्होंने औरत से बीवी मुराद लिया। ठीक है। औरत अरबी में छुपाने की चीज को कहते हैं। अच्छा, तो सत्र मर्द नहीं है, लफ्ज सत्र औरत है। औरत से मुराद बीवी नहीं है, औरत से मुराद है छुपाने की जगहों का, सत्र से मुराद है पर्दा। सही, छुपाने की जगह का पर्दा। पर्दा, बिल्कुल सही। तो मर्द के लिए ये घुटनों से लेकर नाफ तक, ठीक है, ये सत्र औरत है। ठीक है, कि अगर ये जगह ढपी हुई है तो बाकी भी जैसा नंगा भी है तो खैर। सही, औरत के लिए उसमें उसका पेट और सीना भी शामिल है। ठीक है, कि घुटनों से लेकर यहां तक, ठीक है, ढकी हुई हो, आजाद औरत। सही। गुलाम औरत के लिए वही सतर है जो आजाद मर्द के लिए। अच्छा, गुलाम में और आजाद में इतना फर्क है क्योंकि आजाद गुलाम मर्दों का तो घुटनों से नाफ तक है। ठीक है, गुलाम मर्दों, गुलाम औरतों का भी इतना ही है। सही, आजाद औरतों का घुटनों से लेकर छातियों से ऊपर तक है कि सीना भी ढप जाए। बिल्कुल सही। आजाद मर्दों का घुटनों से लेकर नाफ तक ये सत्रे औरत है और ये फर्ज है। सही, औरत से मुराद है छुपाने की चीज। बिल्कुल सही। सतर से मुराद है पर्दा। पर्दा, तो सत्रे औरत से मुराद बीबी का सतर नहीं है, छुपाने की चीज का सतर पर्दा, पर्दा है। बिल्कुल ठीक। और ये सत्रे मर्द को मर्द तो होता ही है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो सत्रे औरत से मुराद इन्होंने बीबी समझ लिया ना, बीबी नहीं है। छुपा तो औरतों को इसलिए औरत कहते हैं कि ये भी छुपाने की चीज है। जिस सरे बाजार ले आए हैं, ये शम है, महफिल नहीं है, चिराग खाना है। अल्लाह, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। ये छुपाने की शर्त, औरत के असल मतलब ये है। बिल्कुल सही। हजरत जी, क्या करें कि वक्त चलता ही चला जाता है और गुजरता ही गुजरता जा रहा है। वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया आज के प्रोग्राम का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपने सवाल के जरिए शामिल होना चाहें तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है, आप नोट फरमा लीजिए 0333-4955021। और इसी तरह से आप हमें ई मेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। almusha.tv की वेबसाइट पे क्वेश्चन के ऑप्शन में जाकर सर्च क्वेश्चंस के जरिए अपने सवाल को एक बार सर्च करके देख लें। अगर आपका मौजू पहले ही प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है तो आप मुतलका प्रोग्राम में अपने सवाल का तफसीली जवाब सुन सकते हैं। बसूरते दीगर, आप अपना सवाल हमें सेंड कर दीजिए, हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपके तमाम भेजे गए सवाल इस वेबसाइट में महफूज हो जाते हैं। आप उन्हें नाम, शहर या मौजू के एतबार से कभी भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट में कुरान के ऑप्शन में जाकर हजरत जी के उर्दू और इंग्लिश में तराजुम और हजरत जी की पंजाबी और उर्दू में बयानिया तफासीर से भी फैजयाब हो सकते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।